हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम जब भी किसी पार्टी में जाते हैं या फिर किसी गेट टुगेदर में जाते हैं और वहाँ जब हमारे किसी भी फ्रेंड को या फिर रिलेटिव को टचअप करना होता है तो हम फटाक से अपना मेकअप बॉक्स निकाल कर हाजिर कर देते हैं, बिना ये समझे कि हम सबकी स्किन अलग अलग होती है या हो सकता है कि हमारे दोस्त या फिर हमारा कोई रिलेटिव स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहा हो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन से मेकअप प्रोडक्ट हैं जो आपको कभी भी शेयर नहीं करने चाहिए, चाहे वो कितना भी आपका करीबी क्यों ना हो। आंखें हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट होती हैं और कुछ लोगों को आंखों की परेशानी भी होती है। ऐसे में लाइनर और मस्करा शेयर करने से हम कई बार आंखों की गंदगी और बैक्टीरिया भी साथ में शेयर कर लेते हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि लाइनर खासकर मस्करा कभी भी अपने फ्रेंड या फिर रिलेटिव के साथ शेयर बिल्कुल भी ना करें। लिपस्टिक और लिप ग्लॉस शेयर करने से आपके लिप्स पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, इसलिए आप अपनी लिपस्टिक या फिर लिप ग्लॉस ना किसी को दें ना ही किसी और का लें। दूसरों के लिप्स पर अप्लाई हुए प्रोडक्ट कभी भी अपने लिप्स पर अप्लाई ना करें, क्योंकि जब भी आप खाना खाएंगे तो सारे बैक्टीरिया मुँह से होते हुए सीधे पेट में चले जाएंगे, जो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन का कारण बनेंगे। जब भी आप मेकअप ब्रश से मेकअप करते हैं तो मेकअप करते टाइम आपके स्किन के सारे बैक्टीरिया ब्रश में चले जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए आप अपने मेकअप ब्रश को कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आप जार वाली क्रीम यूज करती हैं तो उसे किसी के साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि जार वाली क्रीम हम हमेशा फिंगर टिप से निकालते हैं और फिंगर टिप से ही अप्लाई करते हैं। जार वाली क्रीम में बार बार फिंगर डालने से बैक्टीरिया क्रीम में चले जाते हैं और जब आप इसको फेस पर अप्लाई करेंगी तो आपको एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ब्यूटी प्रोडक्ट में कॉम्पैक्ट भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आपको कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए, इससे आपको फेशियल इन्फेक्शन हो सकता है। मेकअप स्पॉन्ज आपको गलती से भी कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे हमेशा हम वेट करने के बाद ही यूज़ करते हैं, जिससे इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। और इसे अगर आप शेयर भी कर रहे हैं तो भी आप ये नहीं जानती कि किसकी स्किन के साथ क्या परेशानी है, ऐसे में ये आपकी स्किन के लिए भी ठीक नहीं है। स्किन में अप्लाई होने वाला साबुन भी आपको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, ये ना आपको कभी किसी को देना चाहिए ना किसी और का आपको यूज़ करना चाहिए, ये भी आपकी स्किन को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।